सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज एग्जाम्पल 13-4. आपके पास एक स्मूथ कॉलर है विच हैज अ मैस ऑफ 2 kg. नाउ अगेन स्टैटिक्स में जब वर्ड स्मूथ आता था तो व्हाट डज दैट इंडिकेट? फ्रिक्शनलेस. सो यू डोंट हैव टू इंक्लूड फ्रिक्शन इन योर एनालिसिस बिकॉज इट इज अ स्मूथ कॉलर. सो अ स्मूथ कॉलर ऑफ 2 kg मैस शोन इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग having a stiffness of 3 kN/m. So this spring which is shown to you has a stiffness of 3 newton per meter and an unstretched length of 0.75 meters. It means ke when this collar is at point A or position A, the spring is in its unstretched position. ठीक है? तो आपके पास ये spring जो है, it is in unstretched position once this collar is at position A. The second thing is, if the collar is released from rest at A, so आपने किया क्या कि इस collar को इस position A से rest से release किया. Now definitely once you release it due to the weight of the collar, ये जो आपके पास 2 kg mass है, तो weight की वजह से this collar is going to move downward. You need to find out the acceleration as well as the normal force which the rod exerts on the collar at the instant when it has traveled a distance of y equal to 1 meter. So 1 meter का डिस्टेंस अगर इसने ट्रेवल कर लिया है, सो कितना एक्सेलरेशन होगी अगर ये पॉइंट सी तक पहुंचता है आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 meter, और दूसरा क्या वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी जो कि रॉड इस कॉलर के ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं. सो आई होप दैट द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यस सर. Okay, now starting with the free body diagram, since we need to apply the free body diagram, need to apply the equation of motion for which we will be requiring the free body diagram. और देखिए कोशिश किया करें कि जब जब आपके पास kinetics का कोई भी problem आए, चूंकि आपकी उसी free body diagram से आपकी मुख्तलिफ kinetic की equations बन रही होंगी, तो कोशिश करें थोड़ा सा सुकून के साथ time निकाल के 2-3 दफा सोच के free body diagram सही बना लें, because once the free body diagram is correct, डेफिनेटली आपकी जो इक्वेशन फ्री बॉडी डायग्राम से बननी है वो भी करेक्ट होंगी. अगर आपकी फ्री बॉडी डायग्राम ही गलत होगी तो डेफिनेटली इक्वेशन भी गलत बनेगी और आपका सोल्यूशन भी गलत होगा. तो कोशिश करें जब भी फ्री बॉडी डायग्राम वाले प्रॉब्लम्स आए और या काइनेटिक्स के प्रॉब्लम है जिसमें आपको फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत होती है, ट्राई टू थिंक एटलीस्ट 2 times बिफोर ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम. ओके, स्टार्टिंग विद द फ्री बॉडी डायग्राम, मैं कहता हूं कि ये वो कॉलर है जिसकी हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है वंस इट इज एट पोजीशन सी. सो वन थिंग विच वुड बी एक्टिंग ऑन दिस कॉलर इज बेसिकली द वेट ऑफ दिस कॉलर विच वुड बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. देन द अदर थिंग विच वुड बी एक्टिंग ऑन दिस कॉलर इज गोइंग टू बी द स्प्रिंग फोर्स. स्टैटिक्स याद है, स्प्रिंग रिमूव करते थे तो हमें स्प्रिंग फोर्स मिलती थी, और उस फोर्स का डायरेक्शन ये जो थीटा है, ये क्या हम डिटर्मिन कर सकते हैं? Can we determine this theta? Yes, sir. By trigonometry, tangent theta is y over 0.75. So theta would be tan inverse y over 0.75. Y is 1. So 1 over 0.75 leke aap uska tan inverse lein, to aapko jo hai wo theta mil jayega, which comes out to be 53.1 degrees. ठीक है? Okay, so आपने ये दो चीजें show कर दी on the free body diagram. One is the weight of this collar which is acting downward. The other one is the spring force which would be acting in the direction जिस direction में ये spring लगा हुआ है. So theta के साथ आपने इसका ये direction जो है वो mention कर दिया. और कोई चीज जो आपके ख्याल में इस free body diagram पे आनी चाहिए? Sir, normal force. Okay, normal force आएगी. So what should be the direction of that normal force? Sir, लेकिन ये तो concentric है collar, हर side से लेकिन हर side से लेकिन लेकिन वो तो equal होगा. क्या equal होगा? Normal force sir मतलब वो जो rod collar पे normal force लगा रहे हैं तो हर direction में force आ रही है तो equal नहीं होगा. Although if I consider this collar as a rigid body, तो रिजिड बॉडी का क्या मतलब है कि इस कॉलर का ये जो इंटरनल सरफेस है, इस सारे के ऊपर ये रॉड के साथ कनेक्टेड है, ऐसे ही है? कॉलर और रॉड का कनेक्शन किस एक्सिस के अलोंग है? वाई एक्सिस के अलोंग. सो इफ आई एम कंसिडरिंग दिस कॉलर एज अ पार्टिकल और मैं कह रहा हूं कि कॉलर और रॉड का कनेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग है, सो वंस आई रिमूव दिस कनेक्शन, what should be the direction of normal force? किस axis के along वो act करनी चाहिए?
नॉर्मल फोर्स है ना, बाय डेफिनेशन आपका जो कॉन्टेक्टिंग सर्फेस है अगर वो वाई एक्सिस है, सो द नॉर्मल फोर्स इज गोइंग टू एक्ट इन अ डायरेक्शन विच इज ऑपोजिट और 90 डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्टेक्टिंग सर्फेस. सो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो नॉर्मल फोर्स है इट इज गोइंग टू बी अलॉन्ग दिस एक्स एक्सिस. अब इस एक्स एक्सिस में टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस या टूवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस किस डायरेक्शन में आनी चाहिए? टूवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस. ओके, टूवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस. व्हाई? माय क्वेश्चन इज व्हाई. नॉर्मल रिएक्शन इसमें क्रिएट हो रहा है वो वेट की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि जो एफएस वाली फोर्स है उसके एक्स कंपोनेंट की वजह से हो रहा है, और वो एफएस के एक्स कंपोनेंट है वो इसको टुवर्ड्स राइट खींचना चाह रहा है. ठीक है, वो तो जो नॉर्मल फोर्स तो फिर अकॉर्डिंगली ये टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस आनी चाहिए. दैट्स राइट. सो बाय कॉमन सेंस मैंने जज क्या किया कि बेसिकली नॉर्मल फोर्स जिस एक्सिस के अलोंग लग रही है उस एक्सिस के अलोंग सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही है विच इज द x component of spring force, और वो x component of spring force लग रहा है towards the right, जो कि एक तरह से scholar को right की तरफ खेंच रहा है. अब x direction में क्या कोई motion हो रहा है? No sir. The collar is constrained to move along the y axis only. So it means कि आपके पास जो x direction में forces हैं वो एक दूसरे को balance कर रही हैं. अगर मैं उस logic को apply करूं तो ये fs का x component और normal force एक दूसरे के opposite होनी चाहिए ताकि आपको समेशन एफएक्स जब करें तो जीरो मिले, यानी अनबैलेंस फोर्स आपके पास कोई ना हो अलोंग द एक्स एक्सिस. तो कॉमन सेंस मुझे यही कह रही है कि मुझे नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस बनाना चाहिए. सो मैं इसको फिलहाल के लिए यहां टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस को नॉर्मल फोर्स के तौर पर बना लेता हूं. लेकिन अगर सिचुएशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, आपसे जज ना हो रहा हो कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आनी चाहिए या नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो आप इनमें से किसी एक डायरेक्शन में इसको अज्यूम कर सकते हैं. वही जो तरीका हम स्टैटिक्स में यूज करते थे, इट इज एन अननोन फोर्स, बाकी तमाम चीजें आपको नोन है, देयर इज ओनली वन अननोन फोर्स विच इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. तो आप जिस डायरेक्शन में भी अज्यूम करें, आखिर में अगर उसका साइन पॉजिटिव मिल जाए इट मीन्स योर अजम्पशन इज करेक्ट, अगर साइन नेगेटिव मिल जाए तो यू आर गोइंग टू रिवर्स योर अजम्पशन. यहां तो हमें समझ आ रही थी, आसान था, कॉमन सेंस के साथ हम जज कर सकते थे, लेकिन इन केस के कभी आप जज ना कर पा रहे हो तो अज्यूम इट इन आइदर वन ऑफ दिस डायरेक्शन, आइदर टुवर्ड द पॉजिटिव एक्स और द नेगेटिव एक्स एक्सिस, सॉल्व इट, अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन, और इफ योर आंसर्स कम आउट टू बी पॉजिटिव, एनसी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, अजम्पशन करेक्ट है, एनसी की वैल्यू नेगेटिव आई, सो यू आर गोइंग टू रिवर्स योर अजम्पशन. आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके पास एक अननोन है उस पर आप 10 मिनट लगा दें कि इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए. नहीं, एक आध मिनट लगाएं और उसके बाद नहीं समझ आ रहा तो कोई एक डायरेक्शन अज्यूम कर लें. इज इट करेक्ट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. ओके, सो अवर फ्री बॉडी डायग्राम इज नाउ कंप्लीट. वी नीड टू नाउ अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन. सो मूविंग टूवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, द कोऑर्डिनेट सिस्टम विच वी आर गोइंग टू यूज हेयर इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस विच इज डिफाइंड टूवर्ड्स द राइट, एंड सिंस all the motion is towards the downside, so instead of taking positive y upward we have taken the positive y as downward, so that hame khamkha mein negative sign har cheez ke sath jo hai wo na lagana pade. So the axis system which are using is positive right and positive downward. So applying the equation of motion which is summation fx equal to max, as we have discussed earlier, the forces which are acting along the x axis is, one is this force NC, normal reaction force, that would be acting towards the negative x-axis. The other one is the component of spring force, which would be acting towards the positive x-axis. And that component is Fs cos of theta. So this would be your equation number one. The forces which are acting along the y-axis, and again taking a positive y downward. The forces which are acting is, one is this weight, which would be acting downward. The other one is the component of Fs, which would be acting in the upward direction. And since you are taking positive downward, so weight ke saath plus sign aaya hai, aur component jo spring force ke uske saath negative sign aaya hai. X direction mein chunke koi motion nahi ho raha tha, so MA would be equal to zero. Right side aapki equation number one ki zero ho gayi. As far as the right side of equation two is concerned, which is summation Fy, aapke paas MAy aa jayega. M aapke paas 2 kg hai, mass of this collar. A is the acceleration which is unknown here. So overall, there are three unknowns in this equation. One is this normal force, an unknown quantity. Second one is the spring force. And third one is the acceleration. So these are three unknown quantities here. So you need at least three equations in order to solve the system. So the third equation aapko kahan se milegi? The third equation aapko spring force se milegi. Fs equal to ks. Aur agar aapko yaad ho, statics mein humne padha bhi tha ki spring force jo hai, it is going to be 3 into
L minus L naught, where 3 is the value of K, and L minus L naught K spring pe apni unstretched length se kitni change aa rahi hai once this collar has moved to position C. So L minus L naught aapko find karna hai. This L naught, which is the unstretched length of the spring, it is given to you as 0.75. जहां तक ताल्लुक इस लेंथ L का है तो बेसिकली वो लेंथ ये आपको रिप्रेजेंट हो रही है. सो दिस इज द लेंथ L व्हिच यू नीड टू डिटरमिन बाय पाइथागोरस थ्योरम. दिस लेंथ L शुड बी इक्वल टू 0.75 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होल अंडर रूट. सो आपके पास L आ गई 1.25 एंड नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन दिस स्प्रिंग फोर्स इट विल गिव यू द वैल्यू टू बी इक्वल टू 1.5 न्यूटन. नाउ योर सिस्टम रिड्यूसेस टू टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स. Solving the system will give you the value of acceleration and normal reaction force as shown. Again, the normal reaction force comes out to be a positive quantity. It means that our assumed direction of NC is correct and it is basically acting along the net x-axis. Is it clear to all of you? Koi question, koi query jo aap puchna chahein?